और इस वक्त मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो आप ग्रुप पे डाल दें, वहाँ शेयर, वहाँ डिस्कस, मैं वहाँ से देख के डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, होथोन ने कहा था, सॉरी मायो ने कहा था कि किस तरह से जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि आपके जो ग्रुप स्टैंड और जी, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडेज क्लास, होथॉर्न स्टडीज में से कोई क्वेश्चन हो आपका? कल हमने होथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे और कल हमने एल्टन मायो के ये की पॉइंट्स देखे थे, इसकी थ्योरी का आउटकम क्या था ये हमने कल डिस्कस किया था, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। टेस्ट इंशाल्लाह आपको मार्क हो के आपको थोड़ा वापस मिल जाए, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अपलोड कर दिया होगा डेफिनेटली, तो वो इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट होने के बाद व्हेन यू विल गेट इट बैक देन वी विल डिस्कस द टेस्ट, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन है वो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? अगर आप वो क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हुआ है या सेव्ड है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डाल दें। वो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, तो मैं उसे फिर, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो आप ग्रुप पे डाल दें, वहाँ शेयर, वहाँ डिस्कस, मैं वहाँ से देख के डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, होथॉर्न ने कहा था, सॉरी मायो ने कहा था कि किस तरह से जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि आपके जो ग्रुप स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो ग्रुप नॉर्म्स हैं, आपके जो ग्रुप बिहेवियर्स हैं, दे आर द फैक्टर्स दैट प्ले अ मोर मोर इम्पॉर्टेंट रोल, सो मनी इज लेस इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली होथॉर्न स्टडीज के मुताबिक एल्टन मायो की जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे है, दिस इज वेयर द कंक्लूजन इज, दिस इज वेयर द कंक्लूजन इज। इसने कंक्लूड किया था कि पीपल्स बिहेवियर, देयर एटीट्यूड्स आर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप फैक्टर्स, ग्रुप फैक्टर्स में सोशल नॉर्म्स आ जाती हैं, ग्रुप स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, दे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट योर बिहेवियर एंड ग्रुप स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश इंडिविजुअल वर्कर आउटपुट। आप ग्रुप का स्टैंडर्ड का मतलब है कि पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग, लोग कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं। ग्रुप स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि लोग जो है वो कंपेरिजन शुरू कर देते हैं, तो वेन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देन इंडिविजुअल वर्कर आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन दैट कंपेरिजन रादर देन अदर फैक्टर्स। कहते हैं मनी इज लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द आउटपुट देन अ ग्रुप स्टैंडर्ड्स। पैसा जो है ये कम अफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपके जो ग्रुप स्टैंडर्ड्स हैं ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। इसी पैसा जो है इट इट अफेक्ट्स लेसर, पैसे का इम्पैक्ट जो है वो कम होता है, पैसे का जो इम्पैक्ट है वो कम होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है माशाल्लाह, ये मैंने बनाया था एग्जैक्टली। ओके जी, क्वेश्चन अगर आपको व्हाट्सएप पे आपके सामने मौजूद है, आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर किया गया है अल्ताफ एंड को में टू मार्केट देयर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। बाकी सवाल तो सारे नॉलेज बेस्ड थे, ये वाहिद क्वेश्चन था सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि पहला टेस्ट था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा लो रखा गया था जस्ट टू एनकरेज यू एंड मोटिवेट यू बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट। जी नवीद, पहले हम टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया डिस्कस करना, पहले हम टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं फिर हम टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है बेटा। 12 बजे दोपहर तक का टाइम था ना, रात 12 बजे का तो नहीं था, 12 नून तक का टाइम दिया था। अच्छा रात का था, एक सेकंड, बिलाल ने क्या टाइम नोट करवाया था? 12 AM, ओके 12 AM, वैसे इट वॉज 12 नून, आइडियली इट वॉज 12 नून, ठीक है, उससे गलती हो गई, उसने 12 नून लिखना था। चले, तो अभी आपने किया नहीं है अटेम्प्ट, अभी आपने करना है, अभी आपने करना है। आइडियली टाइम 24 आवर्स है टेस्ट का। चलो नवीद, यू कैन डू इट, देन वील टॉक अबाउट इट, ठीक है। आप कर लो, फिर उसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे रात किसी टाइम डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है साहब। लेट नवीद डू इट, नवीद कर ले।
फिर हम इसको रात में व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। मैं ऐसे ग्रुप पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि वैसे ये टाइम 12 नून तक का था। मैं तला बिलाल के थोड़े से कान खींचूंगा, व्हाई डिड ही मेंशन 12 AM। ओके, सो रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि सोशल नॉर्म्स, ग्रुप स्टैंडर्ड्स, दे आर द मोर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क बिहेवियर रादर देन अदर फैक्टर्स लाइक हीटिंग, लाइटिंग फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट ब्रेक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। यही तो इस सवाल का ट्रिक था कि इसमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होनी थी और इसमें से आपने रिक्वायरमेंट खुद ढूंढ के निकालनी थी। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको ढूंढनी होगी। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली मायो की थ्योरी की चार कंक्लूजन हैं, मायो की थ्योरी की चार कंक्लूजन हैं। लेट मी फिगर इट डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मायो अपनी थ्योरी में चार कंक्लूजन ड्रॉ करता है मेनली। एक उसकी ब्रॉड कंक्लूजन है और चार उसकी सब कंक्लूजन है। आप इन्हीं कंक्लूजन को बुलेट्स में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इन कंक्लूजन को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, अप टू यू। तो मायो की जो ब्रॉडर कंक्लूजन है वो ये पहला जुमला है, सोशल नॉर्म्स एंड ग्रुप स्टैंडर्ड्स आर की डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क बिहेवियर। मायो कंक्लूडेड दैट सोशल नॉर्म्स एंड ग्रुप स्टैंडर्ड्स आर की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। ये मायो की थ्योरी की पहली आउटकम है, इसकी थ्योरी का पहला आउटकम है, सोशल नॉर्म एंड की डिटर्मिनेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। मायो फर्दर कंक्लूड करता है अपनी थ्योरी के अंदर, मायो फर्दर कंक्लूड करता है अपनी थ्योरी के अंदर, ये इसकी फर्दर कंक्लूजन्स है। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट ही फर्दर कंक्लूडेड दैट नंबर वन, मायो की फर्दर कंक्लूजन क्या है। नंबर वन, पीपल्स बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स आर क्लोजली रिलेटेड, पीपल्स बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स आर क्लोजली रिलेटेड, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ग्रुप फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंडिविजुअल्स बिहेवियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है, ग्रुप स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश इंडिविजुअल वर्कर आउटपुट, ग्रुप स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश इंडिविजुअल वर्कर्स आउटपुट। और आखिरी पॉइंट कहता है, मनी इज लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर देन ग्रुप स्टैंडर्ड एंड ग्रुप एटीट्यूड्स, मनी इज अ लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर देन ग्रुप स्टैंडर्ड्स ग्रुप एटीट्यूड्स इन डिटर्मिनिंग इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली मायो की थ्योरी का सम अप है, ठीक है। देखिए, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप चीजों को ना बुलेट्स में पुट किया करें, क्लैरिटी आ जाती है। डजेंट मैटर आप पैराग्राफ में लिख लें, बातें वही हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे नंबरिंग कर लें, बेशक आप इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें, नंबरिंग यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन जब आप चीजों को बुलेट्स में ले आते हैं तो उसमें जरा क्लैरिटी ऑफ थॉट बेहतर हो जाती है। व्हेन यू ब्रिंग द थिंग्स इन टू बुलेट्स, इट इट मेक्स द थॉट्स क्लियर, ठीक है, इट मेक्स द थॉट क्लियर। लो बेटा,
मायो की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं, मायो की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं जी, मैं भी बताने लगा हूँ। इसकी थ्योरी में से दो सवाल हैं। पहला सवाल इसकी थ्योरी का है हॉथॉर्न स्टडीज के ऊपर। व्हाट आर हॉथॉर्न स्टडीज? हॉथॉर्न स्टडीज क्या है? व्हाट आर हॉथॉर्न स्टडीज एंड व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एल्टन मायो? हॉथॉर्न स्टडीज क्या है और एल्टन मायो ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे? ठीक है ना, लैग आ रहा है, सबके पास लैग आ रहा है क्या? ये इशू सबके पास आ रहा है, लैग आना तो नहीं चाहिए। अच्छा, मिक्स रिस्पॉन्स, यस नो यस नो। चले लेट मी रीस्टार्ट द स्क्रीन, मैं स्क्रीन को रीस्टार्ट एक दफा कर लेता हूँ फिर देख लेते हैं। ओके, होपफुली अब नहीं आएगा। समायो कहता है उसने क्या किया, पहला जो क्वेश्चन निकलता है व्हाट आर हॉथॉर्न स्टडीज एंड व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एल्टन मायो, और दूसरा जो क्वेश्चन निकलता है वो एल्टन मायो के की कंक्लूजन है। ठीक है, व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज? हॉथॉर्न स्टडीज से एल्टन मायो ने कंक्लूजन क्या ड्रॉ की थी? व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ एल्टन मायो? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है। दूसरी थ्योरी जो हमारे पास मौजूद है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नियो क्लासिकल और नियो बिहेवियोरल अप्रोच, वो है डगलस मैकग्रेगर की। डगलस मैकग्रेगर एक किताब लिखता है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, बल्कि इस पर तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया है सितंबर 19 में, इसके ऊपर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, अभी हम डिस्कस भी करते हैं इस थ्योरी का क्वेश्चन। मैकग्रेगर एक किताब लिखता है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, और इस किताब में मैकग्रेगर सजेस्ट करता है कि दुनिया में दो किस्म की अप्रोचेस पाई जाती हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। मैकग्रेगर कहता है कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक वो जो थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं, एक वो जो थ्योरी वाई से बिलोंग करते हैं। तो मैकग्रेगर के मुताबिक देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में दो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, वन बिलोंगिंग फ्रॉम थ्योरी एक्स एंड द अदर बिलोंगिंग फ्रॉम थ्योरी वाई। मैकग्रेगर कहते हैं कि ये जो इन दोनों की जो डिफ्रेंसिएशन है, ये इन दोनों कैटेगरीज के लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। थ्योरी एक्स वालों का अपना बिहेवियर होता है, थ्योरी वाई वालों का अपना बिहेवियर होता है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैकग्रेगर कहता है कि थ्योरी एक्स में जो लोग पाए जाते हैं, पीपल डिसलाइक वर्क, लोग काम को नापसंद करते हैं इन थ्योरी एक्स। ठीक है, थ्योरी एक्स पीपल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो सकेगा काम को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थ्योरी एक्स से जो लोग बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट मल्टीटास्कर्स, मल्टीटास्कर्स नहीं होते, एक वक्त में एक से ज्यादा काम करने के अहल नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट एम्बिशियस, एम्बिशियस नहीं होते, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने की जस्तजू नहीं होती, दे आर नॉट एम्बिशियस इन नेचर, बाय नेचर ये लोग एम्बिशियस नहीं होते, इनमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जस्तजू नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट टेक चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस को नहीं लेते, दे नीड टू बी पनिश्ड एंड फोर्स्ड टू वर्क, इनको काम की तरफ पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। बेसिकली हम सारे थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं, बेसिकली हम सारे थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मल्टीटास्कर मींस एक वक्त में मुख्तलिफ काम करना, एक वक्त में मुख्तलिफ काम करना। वैसे तो हम बड़े अच्छे मल्टीटास्कर होते हैं, अभी आप में से मैं आई एम श्योर कि कुछ लोग क्लास के साथ साथ व्हाट्सएप भी देख रहे होंगे, फेसबुक भी देख रहे होंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि इस वक्त 19-20 लोग बैठे हुए मेरे सामने, वर्चुअली बैठे हुए, बट आई एम प्रिटी श्योर कि चंद एक ने व्हाट्सएप साथ साथ खोला होगा या फेसबुक चल रही होगी साथ साथ।
इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, दैट इज नोन एज मल्टीटास्किंग। तो हम कभी कभी मल्टीटास्कर्स होते हैं, नहीं कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, डेफिनेटली अ फ्यू ऑफ यू, ठीक है। वेरी नाइस, अगर आप सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन, बट डेफिनेटली कोई ना कोई, ठीक। चलिए जी, दैट्स वेरी नाइस कि आप बहुत गौर से सुन रहे हैं। ओके जी, बिलाल हैज रिसेंटली ज्वाइंड अस एंड ही हैज सेंट मी अ टेक्स्ट मैसेज दैट इट्स हिज फर्स्ट क्लास टुडे, सो इनशाला बिलाल यू आर गोइंग टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, बट इट्स बेटर कि आप अपना जो मैसेज है वो टू ऑल करें ताकि सारे आपका मैसेज पढ़ सकें, ठीक है। व्हेन यू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, अ चैट मैसेज, तो टू ऑल किया करें ताकि कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन ना आए, कि मैं एकदम उस मैसेज का जवाब देने लग जाता हूँ तो फिर जो बाकी लोग हैं वो बेचारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके जी, सो दिस इज थियरी एक्स पीपल, अ पर्सन डज नॉट लाइक वर्क, अ पर्सन वुड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज पॉसिबल, अ पर्सन इज नॉट अ मल्टीटास्कर, ही इज नॉट एम्बिशियस, ही डू नॉट टेक चैलेंजेस, नीड टू बी पनिश्ड एंड फोर्स टू वर्क। इसके बरक्स मैकग्रेगर कहता है कि देर इज अ कैटेगरी जो थेरी वाई कहलाती है, पीपल लाइक वर्क एंड पुट एफर्ट एज नेचुरल एज प्ले, काम को खेल की तरह करते हैं, बेसिकली काम को खेल की तरह करते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर बिलाल, जो आ रहा है मैसेज आप बेशक भेजें, ठीक, उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, काम को वो खेल की तरह करते हैं, ठीक है। दे पुट एफर्ट इन देयर वर्क एज नेचुरल एज प्ले, लव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है, एंड कंप्लीट इट, और उसे मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आर मल्टीटास्कर्स, मल्टीटास्कर्स होते हैं, एक वक्त में कई काम कर सकते हैं। आर वेरी एम्बिशियस, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, एंड वॉन्ट टू ग्रो, ग्रो करना चाहते हैं इदारे के अंदर, टेक चैलेंजेस एंड आर मोटिवेटेड बाय टफ टास्क, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम उस तरफ आते हैं कि थेरी वाई, एग्जैक्टली यू आर राइट, बिल्कुल। जो नॉन मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली थेरी एक्स से बिलोंग करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, और आइडियली मैनेजर एंड प्रोफेशनल थेरी वाई से बिलोंग करते हैं, हमसे बात करते हैं, ठीक। नीड टू बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड एट वर्क, इनको काम पे पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ता है, नीड टू बी पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं, इनको आप रिवॉर्ड देते हैं, इनको आप सपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रॉड डिफरेंस है थेरी एक्स और थेरी वाई पीपल के दरमियान। तो ये बेसिकली मैकग्रेगर की थॉट थी। मैकग्रेगर ने कहा था कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, वो जो थेरी एक्स से बिलोंग करते हैं और वो जो थेरी वाई से बिलोंग करते हैं। आप कौन सा मैनेजमेंट का स्टाइल अडॉप्ट करेंगे ये डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन कि जिनको आप डील कर रहे हैं वो थेरी एक्स से बिलोंग हैं या थेरी वाई से बिलोंग करते हैं। मैकग्रेगर कहता है दैट देयर आर टू मैनेजमेंट स्टाइल्स, दो स्टाइल्स होते हैं मैनेजमेंट के, अथॉरिटेरियन स्टाइल, ठीक है, द मैनेजर यूजेस पावर एंड पनिशमेंट टू पुट पीपल टू वर्क, अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, कमांड बेस्ड स्टाइल होता है बेसिकली, इट इज अ कमांड बेस्ड स्टाइल, ठीक है, हुक्म देना, फौजी स्टाइल होता है, इट इज अ कमांड बेस्ड स्टाइल, फौजी स्टाइल होता है। एक होता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल, द मैनेजर इन्वॉल्व्स पीपल इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजर लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्पेयर मी अ मोमेंट। ओके, सो मैनेजर क्या करता है, लोगों को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर एंड पॉजिटिवली मोटिवेट्स देम थ्रू रिवॉर्ड्स एंड
इंसेंटिव्स, इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली मैक्ग्रेगर के मुताबिक दो किस्म के स्टाइल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो उसकी परसेप्शन में वो थ्योरी एक्स से बिलोंग करता है या थ्योरी वाई से बिलोंग करता है। ठीक है, उससे भी कि उसके के उसके लिए अगर एक इंडिविजुअल थ्योरी एक्स से बिलोंग करता है तो वो अथॉरिटेरियन स्टाइल यूज करेगा, और अगर वो थ्योरी वाई से बिलोंग करता है तो वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करेगा। तो बेसिकली मैकग्रेगर कहते हैं कि पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका वर्कर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टू विच कैटेगरी योर वर्कर बिलोंग्स, और उसकी बेस पे फिर आप ये डिसीजन लेते हैं कि इसको मैंने कैसे मैनेज करना है। एंड योर मैनेजमेंट स्टाइल प्योरली डिपेंड्स अपॉन इधर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। अभी हम एक केस डिस्कस करते हैं, पेपर का ही एक क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें एक सिनेरियो दिया गया था और कहा गया था बताएं सिनेरियो में एम्प्लॉई किस थ्योरी से बिलोंग करते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड हाउ मैनेजर विल मोटिवेट देम, ठीक है, और विल पुट देम टू वर्क। तो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर मैनेजर वुड परसीव द वर्किंग एटीट्यूड ऑफ इट्स एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। ये अजम्पशंस जो हैं ये डिफाइन करती हैं दैट ईदर द वर्कर बिलोंग्स टू कैटेगरी एक्स और ही बिलोंग टू कैटेगरी वाई। ठीक है, अगर एक वर्कर कैटेगरी एक्स से बिलोंग करता है तो मैनेजर विल यूज अथॉरिटेरियन स्टाइल। दिस स्टाइल इज वेरी स्ट्रिक्ट, यूजली इन्वॉल्व माइक्रो मैनेजिंग वर्कर टास्क टू एंश्योर दैट इट गेट्स इट डन प्रॉपरली। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली If you believe your team members are interested in their work and would be happy to accept challenges, you will be more participative manager and reward your team members well. This is called as theory Y. तो दोनों theories की assumptions क्या क्या है? Theory X की जो मैंने अभी table draw किया है, ये exactly वही points लिखे हुए हैं। Average person dislike work, will avoid responsibility, must be forced to work and punished threat of punishment, must be directed, avoid responsibility, has no ambition. ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं। आप ये वाला टेबल रिप्रोड्यूस कर दें या आप ये वाले पॉइंट्स देख लें, सेम है। थ्योरी वाई वाले जो लोग होते हैं उनके दे वांट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन एंड पर्सनल ग्रोथ, पुटिंग एफर्ट इन द वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले, खेल समझ के काम करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दे डोंट नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन और पनिशमेंट, इनको पनिशमेंट या कॉन्स्टेंट सुपरविजन नहीं चाहिए होती। ठीक है, इनकी कमिटमेंट जो है एक इदारे के गोल्स के साथ दैट इज रिलेटेड टू द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड, इनको आप रिवॉर्ड देके मोटिवेट करते हैं, सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एवरेज पर्सन इज ओनली पार्टली यूटिलाइज। थ्योरी वाई से बिलोंग करने वाला इंसान ये बिलीव करता है कि मैं और कर सकता हूँ, आई हैव मोर पोटेंशियल टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। थ्योरी वाई का जो एम्प्लॉय होता है वो ये बिलीव करता है कि आई कैन डू समथिंग मोर, आई कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, मेरे पास और एक्स्ट्रा करने की कैपेसिटी है। थ्योरी वाई जो है इट इज नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट वर्कर्स इंक्रीजिंग डिजायर्ड फॉर मोर मीनिंगफुल करियर्स। ठीक है, इसलिए मैनेजीरियल लेवल पे एज नवीद राइटली सेड कि प्रोफेशनल्स को और मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए हम थ्योरी वाई यूज करते हैं रादर देन थ्योरी एक्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट इसकी थ्योरी का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी कि एजम्पशंस क्या है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की। Something is for something, couldn't get your question, Naveed. If you can put it in some other manner, question zara apna reframe kare. If you want to say कि कभी कभी दोनों यूज करने पड़ सकते हैं, if you want to say this कि कभी कभी दोनों यूज करने पड़ सकते हैं, है जी? ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हाँ, इफ यू डू मच एफर्ट देन मोर अप्रेजल शुड आई गेट, लेकिन ये मच एफर्ट पुट करने की जो मोटिवेशन है ये कहाँ से आएगी? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। इफ यू पुट मोर एफर्ट ऑटोमेटिकली यू विल बी अप्रेज्ड, लेकिन ये मोर एफर्ट पुट करने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको क्या पता नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे और आप पेपर पास कर लेंगे और आप माशाल्लाह आपके
तारीफ होगी, लेकिन फिर भी कौन कम लोग ही पढ़ते हैं ना फिर भी इस चीज से। जब तक डंडा नहीं पड़ता सर के ऊपर, जब तक वालिद साहब जो है वो डंडा नहीं उठाते या टीचर पनिश नहीं करता, नहीं पढ़ते लोग, ऐसा ही है ना। तो ये एफर्ट ऑब्वियसली तो अंडरस्टूड है कि इफ यू विल पुट मोर एफर्ट यू विल बी अप्रेज्ड, लेकिन वो जो जस्तजू है वो ही तो डिफाइन करती है कि अगर आप थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं तो वो जस्तजू कुछ करने की खुद ब खुद नहीं आएगी, वो डंडे के दौर पर आएगी। अगर आप थ्योरी वाई से बिलोंग करते हैं तो वो करने की जस्तजू खुद ब खुद आ जाएगी। दैट इज द डिफरेंस, ये तो हम पढ़ रहे हैं ठीक। ओके सो ये पहला पार्ट है थ्योरी का जिसमें दोनों कैटेगरीज की डिफरेंट अजम्पशन एग्जिस्ट करती हैं। ओके अब आ जाए दूसरे पार्ट पे, इम्प्लीकेशंस क्या है, हाउ डू वी अप्लाई मैकग्रेगर थ्योरी इन प्रैक्टिस, हम मैकग्रेगर की थ्योरी प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करते हैं, इस थ्योरी के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो बेसिकली वो कहते हैं थ्योरी एक्स अप्रोच जो है इट वर्क्स इन अ टॉल हायरार्की ऑफ मैनेजर्स वेयर सुपरवाइजर्स नीड टू मॉनिटर एंड डायरेक्ट वर्कर्स। देखो ये वर्कर्स पे अप्लाई होती है, फैक्ट्री फ्लोर पे अप्लाई होती है। अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड, कंट्रोल रिमेन्स फर्मली सेंट्रलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं करते वर्कर्स की एबिलिटी में। मैनेजर्स आर मोर डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर होते हैं, एक्टिवली इंटरफेयर इन रूटीन टास्क। ऑल्दो थ्योरी एक्स मैनेजमेंट हैज अ नेगेटिव व्यू, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली यूज दिस थ्योरी, क्योंकि इसके बगैर लोग काम नहीं करते। जहाँ पे बहुत शीयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे आप थ्योरी एक्स ही डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे थ्योरी एक्स ही इस्तेमाल आती है। इसके बरक्स थ्योरी वाई अप्रोच जो है इट इज कंसिस्टेंट विद पार्टिसिपेटिव अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं डिसीजन मेकिंग में। मैनेजर्स गिव ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू हिज एम्प्लॉयज एंड एनकरेजेस देम टू कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड डिसाइडिंग व्हाट शुड बी डन। मैकग्रेगर कहता है कि थ्योरी वाई अप्रोच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, थ्योरी वाई अप्रोच इज मेनली यूज टू मैनेज मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स। ये जो ऊपर नवीद ने बात की थी, थ्योरी वाई जो है दैट इज मेनली यूज टू मैनेज मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल। थ्योरी वाई इज डिफिकल्ट टू पुट इन फैक्ट्री एनवायरमेंट, फैक्ट्री एनवायरमेंट को पुट करना बहुत मुश्किल है। देयर विल बी सम सिचुएशन वेयर मैनेजर मस्ट एक्सरसाइज अथॉरिटी, यस बहुत सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती हैं कि अथॉरिटी को प्रैक्टिस के बगैर कोई चारा नहीं होता आपके पास, आपको रिजल्ट लेने के लिए डंडा उठाना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। देर आर सम सिचुएशन इन विच प्रैक्टिसिंग अथॉरिटी बिकम्स योर नीड, ठीक है, तो वहां पे फिर आपको डंडा उठाना पड़ेगा, फिर आप वहां पे थ्योरी एक्स यूज करेंगे, देन यू विल यूज थ्योरी एक्स ओवर देयर, ठीक है ना, स्पेशली इन थ्योरी एक्स। एग्जैक्टली, सो थ्योरी वाई को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए वर्कर्स मस्ट बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड, इमोशनली मैच्योर, मस्ट बी सफिशियंटली रिस्पॉन्सिबल सो दैट दे कैन हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। सो इन दीज सर्कमस्टांसिस अ थ्योरी वाई अप्रोच विल लीड टू मच बेटर रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन देन थ्योरी एक्स। इन सिचुएशन में थ्योरी वाई अप्रोच जो है वो बेहतर काम करती है थ्योरी एक्स की निस्बत। सवाल देखते हैं पेपर का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एग्जाम का, बड़ा मजे का सवाल था, सवाल पढ़ के मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर टू पढ़े, माइंडसेट कॉर्पोरेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी है विच प्रोवाइड्स इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। माइंडसेट कॉर्पोरेशन एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंटरनेट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया करती है। ड्यू टू इट्स एग्जैक्टली ग्रेट Due to its large, dynamic and creative nature of work, it requires employees who are determined, smart, take responsibility for their work, enjoy what they do, mindset promotes an open culture, less supervision, encourages expression of opinion and sharing of ideas across all levels of organization for better decision making. It rewards people who take initiative and come up with better ways of doing work. हो क्या रहा है, एक इदारा है माइंडसेट कॉर्पोरेशन के नाम से जो इंटरनेट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया करता है। डायनामिक एंड क्रिएटिव नेचर की वजह से माइंडसेट चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो सेल्फ डिटर्मिंड हो, खुद जिम्मेदारी उठाएं काम की अपने, दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क बाय देमसेल्फ, ठीक है, दे शुड फोकस ऑन what you can say on their own task, ठीक, open culture, less supervision, encourages expression of opinion, you see? Okay जी, पहला पार्ट देखें क्वेश्चन का। In light of McGregor's theory, identify the type of theory and management style that applies to mindset. दो नंबर का पार्ट।
जी, कौन सी टाइप ऑफ थ्योरी अप्लाई होती है और कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल अप्लाई होता है? एक लाइन में आंसर देना है इसका आपने, बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, थ्योरी वाई अप्लाई होती है और स्टाइल कौन सा अप्लाई होता है? थ्योरी वाई अप्लाइज एंड स्टाइल इज पार्टिसिपेटिव। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो दो नंबर का पार्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। थ्योरी वाई अप्लाई होती है और पार्टिसिपेटिव स्टाइल अप्लाई होता है मैनेजमेंट का, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ओके, यूज द सिनेरियो टू एक्सप्लेन द व्यू दैट थ्योरी वाई, दैट थ्योरी यू विच यू हैव आइडेंटिफाइड इन वन अबव टेक्स अबाउट पीपल एट वर्क। कहते सिनेरियो को यूज करते हुए बताएं, अगेन यहाँ पे यूज ये सारे कीवर्ड्स यूज करें, ठीक है? इंजॉय, व्हाट डे डू, ये सारे कीवर्ड, और ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये इस टेबल में आ रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें थ्योरी वाई के करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, वी हैव टू पुट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी वाई पीपल। हमें थ्योरी वाई में काम करने वाले लोगों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखने हैं। पीपल लाइक वर्क, पुट एफर्ट एज नेचुरल एज प्ले, लव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर मल्टी टास्कर्स, एम्बिशियस, टेक चैलेंजेस, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पुट करें। सो चार नंबर का पार्ट है, अ पार्ट वर्थ 4 मार्क्स और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बुलेट्स में थ्योरी वाई के पॉइंट ऑफ व्यूज लिखने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन ऑल मैनेजमेंट सिचुएशंस। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन करें, इसका जवाब यहां से आएगा, ये इसका जवाब है, दिस इज द आंसर, यहां से आएगा। थ्योरी वाई इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है? एग्जैक्टली, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। वाई? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू पुट थ्योरी वाई इन प्रैक्टिस इन अ फैक्ट्री एनवायरमेंट एंड इन सम सिचुएशंस मैनेजर्स हैव टू एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी बिकॉज दैट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग द रिजल्ट। मैनेजर्स को बाज दफा अपनी अथॉरिटी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि यही वो तरीका है जिससे वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सो आइडियली, और ये वाला भी एक पॉइंट साथ डाल सकते हैं कि इट इज ओनली फॉर मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स, इट इज ओनली फॉर मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल, ठीक है? ये वाला भी एक पॉइंट, क्योंकि दो नंबर है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, मार्क्स को देखते हुए क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना होता है आपने। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कि एग्जामिनर इसका आंसर कैसे फ्रेम करता है। मैंने जिसका रिकमेंडेड सोल्यूशन अपलोड किया है ग्रुप पे, आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, बट आई वुड लव टू सी कि एग्जामिनर कैसे फ्रेम करेगा इसका रिकमेंडेड सोल्यूशन। बट डेट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजे का सवाल है ना, काफी थॉट क्लियर हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ के। इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे आपको, इस तरह के सवाल आएंगे पेपर में आपको, इस तरह का सिनेरियो आएगा, साथ एक थ्योरी पूछी जाएगी, इसे कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इसे कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अ क्वेश्चन इजियर देन दिस कैन नॉट अपेयर, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि आप फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसीज को लिस्ट डाउन करें। रीजंस तो खैर अब माइनस हो गए हैं, रीजंस अब मजीद कोर्स का हिस्सा नहीं है, अब सिर्फ फीचर्स हैं जो हमने पढ़े थे चार। ऐसा सवाल भी होता है पेपर में, एक सवाल ऐसा भी होगा पेपर में जिसमें आपको रिक्वायरमेंट भी समझ नहीं आएगी, देयर इज सच अ क्वेश्चन इन द पेपर जिसमें आपको रिक्वायरमेंट भी समझ नहीं आएगी। डोंट वरी, जब वो क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ूंगा तो फिर आपको समझ आएगी रिक्वायरमेंट, बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर नवीद टू अटेम्प्ट एंड सबमिट हिज टेस्ट, ठीक है? माहम बेटा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेपर में कम से कम 40 to 45% होते हैं, अभी देख लेते हैं ना, सितंबर का पेपर हमारे सामने, अजान हो ले 5 मिनट, लेट्स हैव अ क्विक पॉज ऑफ 5 2 मिनट्स, अजान हो ले।
ओके जी, थेरी जी तब करना है, थेरी जी जब खत्म हो जाए, 7:45 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए, ठीक है। आज थेरी जी भी कवर करनी है, ओके। और इसका अगला पार्ट थेरी जी ही है। तो बेसिकली ये 13 नंबर का सवाल था पेपर में, एंड 13% मार्क्स इन वन क्वेश्चन इन टू थेरीज, दैट्स अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर ये 13 में से आपने 12 नंबर सिक्योर कर लिए, तो जस्ट इमेजिन के पेपर पास करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्वेश्चन मैं बता रहा था, हाँ माहम ने पूछा रिक्वायरमेंट, मैं आपको वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझाऊंगा कीवर्ड्स से, ठीक है। अभी उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। एनी हाउ, तो ये बेसिकली मैकग्रेगर का मॉडल है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं अगली थ्योरी के ऊपर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। अगली थ्योरी है हमारी विलियम आउची की थ्योरी जी, आउची की थ्योरी जी। दो दफा आ चुकी है पेपर में, एक दफा आई थी सितंबर 2016 में, सितंबर 2016 में, और एक दफा अभी आई है सितंबर 2019 में, 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। आउची कौन था, आउची ने क्या किया था, आउची की थ्योरी का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताऊं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले जापानी जो थे ना, जापनीज, ये बड़े कामयाब हो रहे थे दुनिया में। जापनीज मेथड ऑफ मैनेजमेंट जो है बड़ा मशहूर था, और अमेरिकन्स वर वेरी मच कंसर्न्ड, अमेरिकन्स बहुत कंसर्न्ड थे कि जापनीज क्यों इतने ऊपर जा रहे हैं और अमेरिकन्स क्यों इतने ऊपर नहीं जा रहे। देखिए, अमेरिकन वे ऑफ मैनेजमेंट जो था ना, दैट वाज प्रीडोमिनेंटली ट्रिगर्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर अमेरिकन था, फेयोल अमेरिकन था, ठीक है। तो जो दो बहुत बड़े मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे वो अमेरिकन थे। तो अमेरिकन मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट की छाप थी, वो रिफ्लेक्ट करती थी उसके अंदर कि इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट करना है, सेंट्रलाइजेशन होनी है डिसीजन मेकिंग के अंदर, टॉल स्ट्रक्चर्स होने हैं, लॉन्ग हायरार्किकल चेन्स होनी है, वो जो सारे हमने फीचर्स पढ़े थे। हाँ एग्जैक्टली, गोलामाना सोच थी कि पीपल को मशीन की तरह ट्रीट करना है, बिहेवियर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड, जैपनीज जो थे बेसिकली, दे यूज टू एड ऑन एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट टू थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। जैपनीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था थ्योरी एक्स और वाई में, वो बहुत एक्स्ट्रा था। इसको उन्होंने थ्योरी जी का नाम दिया था बेसिकली, ठीक है। आउची मैनेजमेंट मॉडल गोज फार्दर, एक कदम आगे जाता है मैकग्रेगर की थ्योरी वाई से। आउची का जो मॉडल है ये एक कदम आगे जाता है, ठीक है। थ्योरी एक्स इज ओल्ड फैशन्ड ऑटोक्रेटिक अप्रोच, वेयर एज थ्योरी वाई जो है दैट इज मोर एनलाइटेंड टुवर्ड्स पीपल बिहेवियर। ऑन द अदर साइड, थ्योरी जी इंक्लूडेड ऑल एलिमेंट ऑफ थ्योरी वाई प्लस अ फ्यू जैपनीज मैनेजमेंट ऑपरेशंस। तो आउची ने क्या किया था बेसिकली, आउची ने कंपैरेटिव स्टडी की थी जापानीज कंपनीज की और अमेरिकन कंपनीज की। आउची कंपेयर्ड जापानीज कंपनीज विद अमेरिकन कंपनीज विद द एम टू आइडेंटिफाई व्हाई जापानीज कंपनीज परफॉर्म बेटर देन अमेरिकन कंपनीज। जापानी अमरीकियों से क्यों बेहतर परफॉर्म करते हैं, ये मकसद था इसका, ये मकसद था कि जापानीज जो है वो, तो इसने बेसिकली बड़ा केयरफुली और स्पेशली ही वाज इंटरेस्टेड कि व्हाई जापानीज कंपनीज प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देन अमेरिकन कंपनी।
इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू जब एंड हुई थी तो वो जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापान के ऊपर अमेरिका ने, नागासाकी पे और हिरोशिमा पे, 1945 में, 6 अगस्त 1945 को, जिसके नतीजे में लाखों लोग मरे थे जापान में, दैट वॉज बेसिकली वन ऑफ द रीजन बिहाइंड कि अमेरिका, जापान जो है वो दुनिया की एक सुपर पावर ही मर्ज हो रही थी और अमेरिका से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जापनीज इतने कामयाब हो रहे थे, इतनी स्पीड से आगे जा रहे थे दुनिया में कि अमेरिकन से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो दैट्स वाई दे अटैक्ड अमेरिका, दैट वॉज वन ऑफ द रीजन है। और भी खैर वजूहत थी, मैनी हाउ। तो बेसिकली जापनीज कंपनीज के फीचर्स क्या हैं? अच्छा, इस थ्योरी के दो क्वेश्चन हैं, इस थ्योरी में से दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापनीज कंपनीज? ठीक, जापनीज कंपनीज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एज पर विलियम आउची? आउची के मुताबिक जापनीज कंपनीज के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, ये सवाल पेपर में आया था सितंबर 2016 में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इन दो पैराग्राफ्स के अंदर है, इन दो पैराग्राफ्स के अंदर है। और नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली सितंबर 2016 के अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, सितंबर 2016 अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसने आपको ये बुलेट्स में दे दिया, तो हम अगर बुलेट्स पढ़ लें ये तरह ज़्यादा बेहतर है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं अपने तौर पे, बुलेट्स और ये पैराग्राफ्स, ये बिल्कुल सेम है, सेम कॉन्सेप्ट जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वही बुलेट्स में लिखा है। ठीक, सो पहला सवाल निकलता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापानीज कंपनीज एज इलस्ट्रेटेड बाय आउची। आउची के मुताबिक जापानीज कंपनीज के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हाउ डिड जापानीज कंपनीज ऑपरेट? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, जो अभी रिसेंटली सितंबर 19 में आया था, मेन फीचर्स ऑफ थ्योरी जी बाय आउची। आउची एक किताब लिखता है 1981 में, इस किताब में ये लिखता है, किताब का नाम है हाउ अमेरिकन कैन मीट द जैपनीज चैलेंज। जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, मैं कॉल ले लूँ। ओ अपने 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 काइंडली माइक्स म्यूट कर दिया कीजिए प्लीज। ठीक है, अपने अपने जो माइक्स हैं वो म्यूट कर दिया कीजिए, उससे डिस्टॉर्शन नहीं होती। तो पहला पार्ट है थे, अच्छा ये किताब लिखता है हाउ अमेरिकन कैन मीट द जापानीज चैलेंज, अमरीकी कैसे जापानियों को कम्पीट कर सकते हैं। 1981 में इसने ये किताब लिखी, उस किताब में इसने थेरी जी के मुताबिक कुछ फीचर्स लिस्ट डाउन किए। ठीक है ना, ऑब्वियसली इसने सिर्फ जापानीज को सपोर्ट नहीं किया, बेसिकली ही वॉज नॉट द ओनली मैनेजमेंट थियरिस्ट जिसने कहा कि अमेरिकन को जापानीज कंपनीज की सक्सेस से सीखना चाहिए। हाँ, वैसे मैं भी डर गया था, आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड। एनीवे, सो ही वॉज नॉट द ओनली पर्सन जिसने ये कहा था कि अमेरिकन को जापानीज से सीखना चाहिए। ठीक है, हाउएवर His work is notable because इसने कहा था कि मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द वन जो अमेरिकन कंपनीज के कुछ फीचर्स को कंबाइन कर दे जापानीज के फीचर के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। देखें, कुछ चीजों पे अमेरिकन को इसने सही कहा था। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान को आप एक काम दें और आप उसे उस काम का जिम्मेदार ठहराएं। अच्छा, जापानीज कहते थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जापनीज कहते थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कलेक्टिव होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेयर ही डिसएग्रीड विद जापान, यहाँ उसने जापनीज के साथ डिसएग्री किया था आउची ने। ठीक है, यहाँ इसने कहा था नहीं, अमरीकी सही कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट जिसमें इसने डिसएग्री किया था। ठीक है ना, अच्छा फिर जापनीज कहते थे करियर पाथ जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं होने चाहिए,
करियर पाथ मस्ट नॉट बी स्पेशलाइज, दे मस्ट बी मॉडरेट, मॉडरेट होने चाहिए, देर शुड बी नो वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे भी इसने डिसएग्री किया था, इसने कहा था कि देर हैज टू बी स्पेशलाइजेशन, लेकिन बाकी एरियाज का भी, बाकी एरियाज की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं कि आप इम्प्लॉयज को स्पेशलाइज करेंगे ही नहीं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बट इम्प्लॉयज शुड ऑल्सो बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर इसने डिसएग्री किया था जापनीज के साथ। हाँ, जापनीज कहते थे कंट्रोल होने ही नहीं चाहिए, दे मस्ट बी नो कंट्रोल। नहीं, इसने कहा था कंट्रोल होने चाहिए, जब तक कंट्रोल्स नहीं होते इदारे काम नहीं करते, तो देर हैव टू बी सम गुड कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स जो है वो होने चाहिए, एक्सप्लिसिट कंट्रोल्स होने चाहिए, देर मस्ट बी एक्सप्लिसिट कंट्रोल्स। ठीक है, एक्सप्लिसिट से क्या मतलब, लिखे हुए होने चाहिए। सो हाउ डज अ टिपिकल जापानीज कंपनी वर्क? जापानीज कंपनीज हैव हायर ट्रस्ट इन देयर वर्कर्स, दे शो स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी। उनका अपने वर्कर्स में ट्रस्ट होता है, वो लॉयल्टी शो करते हैं अपने एम्प्लॉयज की तरफ। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन अ कोहेसिव, कोहेसिव कहते हैं बॉन्डेड, जेल्ड इन, बॉन्डेड, बॉन्डेड एनवायरमेंट। कोहेसिव मीन्स बॉन्डेड, मिल के काम करना। एम्प्लॉय लुक फॉरवर्ड टू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक, कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। कंसेंसस का मतलब होता है म्यूचुअल, कंसेंसस कहते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, म्यूचुअल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जापनी, हाँ दिस इज द पॉइंट विच इज वेयर ही डिसएग्रीड, कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द आउटकम्स मस्ट बी शेयर्ड कलेक्टिवली नॉट इंडिविजुअली। यहाँ पे आउची ने जापनीज से डिसएग्री किया था, इसने कहा था नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल ही होनी चाहिए। दिस इज वेयर ही डिसएग्रीड, ये आखिरी पॉइंट पर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसने डिसएग्री किया था। प्रमोशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ करियर प्रोग्रेशन शुड बी स्लो, रेयरली स्लो। जापनीज क्या करते थे, एम्प्लॉई को आहिस्ता आहिस्ता करियर में आगे लेके जाते थे, स्लो प्रोग्रेशन होती थी करियर की। स्कोप फॉर परसुइंग हाईली स्पेशलाइज्ड करियर पाथ इज मॉडरेट, यानी करियर पाथ जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते थे, मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड होते थे। मैनेजमेंट शोज कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल एज देयर फैमिलीज, बच्चों की एजुकेशन फ्री करा देना, इंश्योरेंस करवा देना एम्प्लॉयज की। तो कंसर्न फॉर मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज से बढ़ के उनकी फैमिलीज की तरफ जाना चाहिए। सो ये बेसिकली एक टिपिकल जापनीज कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स है, और ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स अगर आप ऊपर पढ़ें तो ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स ये पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इन वर्कर्स, एज्यूम दैट वर्कर्स हैव स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी, वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन टीम वर्किंग, कंपनीज शो लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयज हु हैव एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ, प्रमोशन एंड करियर प्रोग्रेशन इज स्लो, डिसीजन मेकिंग इज कलेक्टिव। ठीक है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, जी मैं बताता हूँ। तैयब सेवन्थ पॉइंट कहता है, चलो इसको रीफ्रेज कर लेते हैं, इसकी ना थोड़ी सी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, इसे हम रीफ्रेज कर लेते हैं। देर आर मॉडरेटली डिफाइंड स्पेशलाइज्ड करियर पाथ, moderately defined specialized career path, यानी करियर पाथ जो है वो बहुत ज्यादा, हाँ ये भी मैं, I was expecting this question, करियर प्रोग्रेशन स्लो क्यों है? जिस एम्प्लॉय को आप जब स्पेशलाइज्ड बनाएंगे, ठीक है, इट मीन्स कि वो सिर्फ एक काम करने का एक्सपर्ट होगा, वो बाकी काम नहीं कर पाएगा। When you make a person specialized, he will only be able to do only one task. इसे कहते हैं moderately defined career path. इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड करियर पाथ। लेकिन जब आप एक एम्प्लॉई को यू नो डिफरेंट फ्लेवर्स देंगे, मुख्तलिफ एरियाज में काम करवाएंगे, तो दो के वो एक काम में एक्सपर्ट तो होगा ही होगा, वो बाकी काम भी सीखेगा। इसकी एग्जांपल क्या है, मुझे अगर कह दिया जाए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, और ठीक है मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, बट वन वे ऑर अदर, ये ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्डेड हूँ इकोनॉमिक्स को लेके। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये जापानीज कहते थे। आउची कहता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, एक काम में फिर भी स्पेशलाइज हो लेकिन आता सब कुछ हो। ये देखो ना, दिस इज वेयर आउची ने ये इस कॉन्सेप्ट को कहा था, ये
कहते कंपनी के सारे ऑपरेशंस को समझता हो, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी काम में आपकी एक्सपर्टीज होती है, तो यस यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल बट यू ऑल्सो हैव टू बी मास्टर ऑफ वन, एक काम का मास्टर आपको होना चाहिए, ठीक है ना, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। आ रही बात समझ में, हुआ क्लियर पॉइंट? अब आते हैं आउची की थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आउची ने क्या कहा था, व्हाट डिड आउची कमेंटेड ऑन एंड व्हाट डिड आउची डिस्कस्ड अबाउट। आउची ने थ्योरी जी के फीचर्स पुट किए थे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये भी जापानीज ने कहा था, सेम वो पॉइंट। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ये भी जापानीज ने कहा था, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ ओ सॉरी, आपका सवाल रह गया नवीद। देखो स्लो प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि उसकी जो प्रमोशन है ना, वो एक सर्टन मैनेजीरियल स्केल पे उसके स्किल्स को डेवलप करके उसको प्रमोट करना है आपने। अमेरिकन क्या करते थे, रैपिड प्रमोशन करते थे एम्प्लॉयज की, 2 महीने में उठा के ऊपर, 3 महीने में उससे ऊपर। जब आप एम्प्लॉय को रैपिडली प्रमोट करते हैं तो एक स्टेज आती है जब एम्प्लॉय की कैपेसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप एम्प्लॉय को स्लोली प्रमोट करते हैं तो एम्प्लॉय हर एरिया में अपना फुल पोटेंशियल देता है। अच्छा, अगर आपके ध्यान में ये सवाल आ रहा है कि स्लो प्रमोशन से एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा या स्लो प्रमोशन से एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, तो ये नहीं होता। स्लो प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल हर साल उसका इंक्रीमेंट लग रहा है, सैलरी बढ़ रही है, उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ बात हो रही है स्लो प्रमोशन की, कि प्रोग्रेशन इन डेजिग्नेशन, कि अगर मार्केटिंग मैनेजर है तो कम से कम 2 साल मार्केटिंग मैनेजर रहेगा उस जॉब पे, यू नो, पूरी जॉब को समझेगा, उसमें फुल पोटेंशियल पे काम करेगा, फिर कहीं जाके मार्केटिंग डायरेक्टर बनेगा। लेकिन इसका ये नहीं कि ड्यूरिंग हिज जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर यू आर नॉट गिविंग हिम एनी मोर इंसेंटिव, आप उसे बोनस भी दे रहे हैं, आप उसे इंसेंटिव भी दे रहे हैं, आप उसे रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, तो मोटिवेटेड वो रहेगा। करियर प्रोग्रेशन का स्लो होना डज नॉट अफेक्ट योर मोटिवेशन, ओके। तो ये कहते हैं जी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कंपनी के सारे ऑपरेशंस को समझे, रिप्लेस जॉब स्पेशलाइजेशन एज की कंपोनेंट ऑफ द मॉडल, स्लो एडवांसमेंट प्रमोशन, ये भी यहाँ पे भी जापानीज को सपोर्ट करता है, एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापान आउची कहते हैं कि कॉन्स्टेंट एम्फेसिस करें ट्रेनिंग पे और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लेके आए परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस मस्ट बी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड, ठीक है। फिर कहता है हाँ, ये दिस इज द पॉइंट वेयर ही डिसएग्रीड विद जापानीज। जापानी कहते थे कि कंट्रोल नहीं होने चाहिए, देयर मस्ट बी नो कंट्रोल, इंसान खुद इतना मैच्योर होता है, एम्प्लॉय खुद इतना समझदार होता है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। अमरीकी कहते थे नहीं, कंट्रोल्स के बगैर दुनिया काम नहीं करती, और ये फैक्ट है। मैं जो कहूँ कि टेस्ट कोई नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ लेक्चर्स लेंगे और आप पेपर दें जाके, ना मिड टर्म होगा ना मॉक होगा, आप इतने अच्छे तो नहीं हैं सारे के सारे कि आप खुद से पढ़ें और आप बगैर टेस्ट की तैयारी करें और आप जाके सारे के सारे पेपर दे लें, मुश्किल है ना। शायद कोई एक आधा ऐसा अफलातून यहाँ बैठा हो, एक आधा प्लेटो यहाँ बैठा हो, लेकिन और मुश्किल ही है डंडा चाहिए सबके ऊपर ना, कंट्रोल चाहिए, टेस्ट होगा, मिड टर्म होगा, मॉक होगा, कांस्टेंट यू नो बम्बार्डमेंट होती है, क्लासेस लें, मेहनत करें, पढ़ें, सब कुछ है, तभी बंदे के पुत्र बनते हैं ना सारे, ठीक है ना। अदरवाइज तो नहीं ऑब्वियसली करेंगे ना, टेस्ट जरूरी है, एग्जैक्टली इसी, क्योंकि मनसिबा को ये पता है कि अगर टेस्ट नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगी, जी इज इट, है ना। मनसिबा नोज कि अगर टेस्ट नहीं होगा तो कौन सा बीएम, कौन सी बीएम बीएस, कौन से सरतीक मैं नहीं जानती किसी को, ठीक, पेपर आएगा तो देखी जाएगी। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है एक्सप्लिसिट कंट्रोल, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कंट्रोल। वो कहते हैं डिस्पाइट इम्प्लिसिट इनफॉर्मल कंट्रोल, एक्सप्लिसिट कंट्रोल्स का होना एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, एंड दैट इज वेयर ही सपोर्टेड अमेरिकन्स। यहाँ पे इसने सपोर्ट किया था अमेरिकन को, और यहाँ पे भी इसने अमेरिकन को सपोर्ट किया था। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर शेयर्ड अकम्पलिशमेंट, जिम्मेदारी इंडिविजुअल होनी चाहिए,
फॉर शेयर्ड अकम्पलिशमेंट, ठीक है, कॉमन गोल, इसका मतलब है कॉमन गोल, शेयर्ड अकम्पलिशमेंट मीन्स कॉमन गोल। तो कॉमन गोल के लिए लोगों को आपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, हर एक को आपने उसके दिए हुए काम का जवाब दे ठहराना है। यू हैव टू मेक द पीपल अकाउंटेबल फॉर वट एवर टास्क दे परफॉर्म। ओके जी, सवाल पे आ जाओ। अच्छा जी, केस पढ़ा हमने, सिनेरियो पढ़ा हमने, ठीक है, सिनेरियो दोबारा पढ़ लो। माइंडसेट कॉर्पोरेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया करती है। ड्यू टू डायनामिक एंड क्रिएटिव नेचर ऑफ वर्क, इट रिक्वायर्स एम्प्लॉइज हु आर डिटरमिंड, स्मार्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क एंड एंजॉय व्हाट दे डू। माइंडसेट प्रमोट्स एन ओपन कल्चर, लेस सुपरवियर, एनकरेजेस एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। इट रिवॉर्ड्स पीपल हु टेक इनिशिएटिव, कम अप विद बेटर वेज ऑफ डूइंग वर्क। इन लाइट ऑफ आउचीज थेरी जी, स्टेट इसेंशियल फीचर्स ऑफ थेरी सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 3 नंबर का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज अंडर स्कोर्ड क्वेश्चन। इसे कहते हैं अंडर स्कोर्ड क्वेश्चन। पेपर में कुछ सवाल अंडर स्कोर्ड भी आ जाते हैं बार दफा, यानी जितने मार्क्स दिए गए हैं वो बहुत कम है और क्वेश्चन में डेप्थ ज्यादा है। अगर यहाँ लिखता ना कि स्टेट एनी 4, एनी 2, एनी 3, तो फिर आप उतने पॉइंट्स ही लिखते। उसने कहा स्टेट इसेंशियल फीचर्स, इसेंशियल से क्या मुराद है, आठों के आठों लिखेंगे। चाहे ये सवाल 1 नंबर का भी होता ना, 3 की बजाय 1 मार्क का भी होता, तब भी आठों के आठों लिखते। ये एक अंडर स्कोर्ड क्वेश्चन है, नहीं चलेगा नवीद साहब। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 नंबर के मार्क्स में अगर आप ये सोच ही बैठे हैं कि 3 चाहिए तो नहीं चलेगा, आठों लिखने, सारे लिखने तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर 3 लिखेंगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। और अगर आप 3 लिखेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा कि एग्जामिनर पता नहीं उन 3 को करता है कि नहीं करता कंसीडर। तो यू नो यू वी हैव टू प्ले सेफ, हमें सेफ खेलना होता है, जितना सेफ खेलेंगे उतना सिक्योरिटी बढ़ेगी पेपर पास करने की। हाँ, यहाँ लिखा होता ना स्टेट एनी 2, स्टेट एनी 3, स्टेट एनी 4, तो फिर आप उतने ही लिखते जितने मांगे हैं। ओके, इसलिए मैंने कहा कि ये वाला क्वेश्चन एक अंडरस्कोर्ड क्वेश्चन है। अंडरस्कोर्ड मींस कि जितने नंबर हैं उससे ज्यादा डिमांड की जा रही है। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन ओवरस्कोर्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो ओवरस्कोर्ड होते हैं, जितने मार्क्स दिए गए होते हैं उससे बहुत कम मांगा जा रहा होता है, ऐसे सवाल भी होते हैं ओवरस्कोर्ड होते हैं। ये एक आइडियली स्कोर्ड क्वेश्चन है, ये आइडियल क्वेश्चन है, जितना मांगा गया है उतने ही मार्क्स हैं, 4 फीचर्स हैं, कुछ रीजंस हैं और 6 नंबर है। ये एक आइडियल क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक आइडियल क्वेश्चन है, जितना मांगा गया है उतने ही मार्क्स हैं, 2 नंबर है और 2 पॉइंट्स मांगे गए हैं। देखें, ये भी एक आइडियल क्वेश्चन है, 4 नंबर है, इतने ही पॉइंट्स हैं। इसी ओके, इसका ये तो खैर बहुत आसान है, नॉलेज बेस्ड, ये मजे का पार्ट है। आइडेंटिफाई एनी 2 फीचर्स फ्रॉम द सिनेरियो दैट आर इन लाइन विद थ्योरी जी। सिनेरियो में से अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं थ्योरी जी के, इन 8 में से कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो इन लाइन है सिनेरियो में, यानी सिनेरियो में डिस्कस हो रहे हैं, कौन कौन से हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। पहला है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, डिसीजन मेकिंग, तो ये वाला पॉइंट है, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पहला पॉइंट, ये डिस्कस हो रहा है, ठीक है। वैसे ये कदरे आसान था जज करना, ये कदरे आसान था, दूसरा थोड़ा ट्रिकी है, दूसरा बताओ। डिसीजन मेकिंग को जज करना कदरे आसान था, बट आई एम ग्लैड कि आपने फौरन पिक कर लिया। रिवॉर्ड कहाँ जिक्र हो रहा है, आउची के फीचर्स में रिवॉर्ड्स का जिक्र कहाँ पे है। इन लाइन, इन इन पॉइंट्स ने ढूंढना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डायरेक्ट जिक्र हो रहा है। वेल हाँ, मे बी, लेकिन एक पॉइंट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यस चलें, आई कैन टेक इट, ये भी है, यस आई कैन टेक इट कि ये यहाँ जिक्र हो रहा है, हेयर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से, कि मैनेजमेंट ने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है आउची के मॉडल के मुताबिक। तो ये जो बात हो रही है थ्योरी वाई के परस्पेक्टिव से हो रही है, कि बंदा खुद जिम्मेदारी उठाता है, इसी डिफरेंस है छोटा सा। ये पॉइंट समझ आया ना, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, बड़ा एक यू नो बड़ा ही थिन लाइन सा पॉइंट है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है ये थ्योरी वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। ओके, और बताएं इन 8 में से बताएं कौन सा पॉइंट। चलें हिंट देता हूँ,
हिंट देता हूं कि वो जो पॉइंट है आउट ऑफ दीज एट, वो इस आखिरी जुमले में है, इसमें मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, लास्ट लास्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद है जिसमें। अब बताएं कौन सा पॉइंट है, विच पॉइंट इज दिस? एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच माम, वेरी नाइस। नंबर 5, बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, तो बेटर वेज जो है इट इज इन लाइन विद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, बेहतरी, हर काम को इम्प्रूव करना, बेहतर करना, हर काम को अच्छे तरीके से करना, तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहा है। ऑलराइट, सो ये 5 नंबर का सवाल था, दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन आउची के ऊपर। 13 नंबर का एक सवाल आ जाए पेपर में और आप उसे इतना क्रैक करने के काबिल हो जाएं, तो आप समझ लेंगे पेपर आपका पास हो जाएगा। क्योंकि अगर इस 13 में से आपने 12 नंबर ले लिए, तो आपकी जो डिपेंडेंस है वो बाकी पार्ट्स पे बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजे का सवाल था, मुझे ये सवाल पढ़ने का मजा बड़ा आया था। सो एनी हाउ, लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आज हमने 2 थेरीज पढ़ ली हैं और आज हमने अपना नियो बिहेवियोरल, नियो ह्यूमन रिलेशंस एरा भी खत्म कवर कर लिया है। मंडे को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी एरा, मंडे को हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट। इसमें 3 थेरीज हैं, इसमें हम इसकी 2 थेरीज पढ़ेंगे मंडे को, 1 थेरी हम पढ़ेंगे ट्यूजडे को, प्लस हम ट्यूजडे को पढ़ेंगे ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स। तो ट्यूजडे को हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक, इस चैप्टर विल बी कंक्लूडेड ऑन ट्यूजडे और इस चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट होगा नेक्स्ट फ्राइडे को। ठीक है, इस चैप्टर के सेकंड हाफ का जो टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह अगले जुम्मे को होगा। ओके जी, हैव अ नाइस वीकेंड। श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हो रहा है T20, लाहौर में ही हो रहा है, सड़कें सारी ब्लॉक हुई हुई हैं, तो मैच देखें जिन्होंने देखना है। मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। Thank you.